हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रियन सिंह, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को आंवला के बारे में बताने वाला हूं। मोदी केयर का जो आंवला जूस आता है वेल, दोस्तों उसके बारे में बताऊंगा कि आंवला हमारे लिए कितना गुणकारी होता है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व तो पाए जाते हैं और किस किस बीमारियों से बचाता है और किन किन बीमारियों में हमें फ़ायदेमंद होता है आंवला का जूस। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि मेरा कोई भी इस प्रकार का वीडियो बनता है मोदी केयर का तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोग को बता देता हूँ आंवला के बारे में। आंवला दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होता है एक मनुष्य के लिए और पेट के लिए, तो दोस्तों यह सबसे बड़ा अमृत माना जाता है। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आंवला में जो है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। इसमें दोस्तों एक आंवला में दो संतरे के बराबर जो है विटामिन सी पाई जाती है, और दोस्तों इसके अलावा और बहुत सारे जो है इसमें विटामिन्स पाई जाती हैं, जैसे कि जिंक पाया जाता है, आयरन पाई जाती है, कैरोटीन पाया जाता है, फाइबर पाई जाती है, विटामिन बी पाई जाती है, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं दोस्तों, और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें होता है, क्योंकि विटामिन सी होने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। एंटी कैंसरस गुण भी होते हैं इसमें आंवला में। और दोस्तों चलिए मैं आज आप लोग को बता देता हूँ कि 100 ग्राम आंवला में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं। 44 ग्राम दोस्तों मैं बता दूँ कि इसमें जो है कैलोरी पाया जाता है, और दोस्तों 10 ग्राम जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और 0.88 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, और इसके अलावा 0.58 ग्राम फैट पाया जाता है, और दोस्तों इसके अलावा 27.7 मिलीग्राम जो है विटामिन सी पाई जाती है, जो कि प्रचुर मात्रा में आंवला में पाई जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो है 1 मिलीग्राम जो है सोडियम भी पाया जाता है आंवला में, और इसके अलावा जो है 198 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है, और 25 मिलीग्राम जो है कैल्शियम पाया जाता है, और दोस्तों इसके अलावा 0.31 मिलीग्राम आयरन की भी मात्रा पाई जाती है दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों, इसके अलावा आंवला कई रोगों में बहुत ही फायदेमंद है, जिसको मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में। आंवला जूस को पीने के लिए दोस्तों सुबह में जो है खाली पेट पिया जाता है। अगर आप इसको गुनगुने पानी में लेते हैं सुबह में तो बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। 10 मिलीग्राम जो है आंवले का जूस गुनगुने पानी में पीने से कितने फायदे हैं, मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चलिए मैं आज आप लोग को बता दूं कि शुरुआत में जो है आंवला का जूस जो है 10 ग्राम लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बाद में बढ़ा करके 15 से 20 ml आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कभी नहीं लेना चाहिए, उससे ज़्यादा लेने से हमें नुकसान भी कर सकता है। तो याद रखें दोस्तों, इस शुरुआत में जो है 10 ml जो है गुनगुने पानी में इसको लीजिए, और एक हफ्ते के बाद जो है 15 से 20 ml आप बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि इसको लेने से क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले फायदे मैं बता दूं दोस्तों कि आंवला जूस लेने से हमारे शरीर में प्रोटीन्स की कमी नहीं होती है, और हमारे शरीर जो है फिटनेस रहती है, क्योंकि ये जो है फैट होता है, जो चर्बी होती है, उसको बहुत तेज़ी से बर्न भी करता है, वजन भी घटाता है, जिसको ओबेसिटी की शिकायत है, मोटापा की शिकायत है, मोटापा को भी कम करता है आंवला का जूस। इतना ही नहीं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफायर होता है, हमारे ब्लड को साफ करता है, हमारे जो है स्किन को साफ करता है। इसको लेने से हमारे स्किन में एक जो है चमक सी आ जाती है। आंवला का जूस दोस्तों अगर आप एक चम्मच शहद में मिला करके सुबह में गुनगुना पानी में लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जिससे कि स्किन में एक चमक सी आ जाती है, एक टोंड आ जाता है, और दोस्तों जो हमारे कील मुहासे चेहरे पे निकलते हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको डायरेक्ट चेहरा पे भी लगा सकते हैं, उससे भी हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं चेहरे के बहुत जल्दी हट जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आंवला का जूस सुबह खाली पेट लेने से बढ़ती हुई उम्र को भी रोक देता है, क्योंकि एंटी एजिंग का काम करता है। और दोस्तों अगर किसी के अंदर किसी प्रकार की गांठ बन रही हो, कैंसरस हो, तो वो ख़त्म कर देता है, एंटी कैंसरस भी गुण पाया जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि एक जो होता है कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है,
जो कि इसको बनने में बहुत मदद करता है हमारा आंवला जूस। मोदी केयर का आंवला जूस दोस्तों मैं बता दूं कि 99.9% जो है यह प्योर होता है मोदी केयर का आंवला जूस। और मैं बता दूं कि यह हिमालय के तराई क्षेत्रों का होता है, जो कि सामान्य जगहों की आंवला की जगह यह 10 गुना बेटर माना जाता है मोदी केयर का जो आंवला जूस है। और दोस्तों चलिए मैं और बता दूं कि आंवला जूस हमें किन किन रोगों के लिए फायदेमंद होता है। आंवला का जूस दोस्तों हमारे पेट के लिए अमृत माना जाता है। यह पेट में कब्जियत को ख़त्म करता है, पेड़ों में जो दर्द होता है उसके लिए कसम ख़त्म करता है, और दोस्तों गैस नहीं बनने देता है, पेट फूल जाता है उसके लिए बहुत अच्छा यह माना जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर अपच हो रहा है, किसी को खाना नहीं सही से पचता हो, भूख नहीं लगती हो, उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है मोदी केयर का आंवला जूस। दोस्तों इसको अगर किसी को पेट संबंधी किसी तरह की प्रॉब्लम हो, अगर खाना नहीं पचता हो, कब्जियत हो या गैस बन जाती हो, एसिडिटी बन जाती हो, तो ऐसे मरीज जो है इसको दोनों टाइम खाली पेट ले सकते हैं। सुबह में भी खाली पेट लेना होता है और शाम को भी खाली पेट खाना खाने से आधा घंटा पहले गुनगुना पानी मिले। दोस्तों अगर आप और बेटर रिस्पांस चाहते हैं तो इसमें जो है काला नमक थोड़ा सा मिलाकर गुनगुने पानी में और आंवला का जूस लें, बहुत ही अच्छा काम करेगा पेट के लिए, एक तरह से अमृत का काम करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर किसी को आंखों की समस्या हो रही हो, आंखों से कम दिखाई देने लग रहा हो या रोशनी घट रही हो, तो आंवले का जूस का सेवन करें, आंखों का जो रोशनी घट रहा है उसको सही कर देगा। और जो जिसको समस्या है किसी प्रकार की, और इसके अलावा तो आंखों की समस्या भी सही हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि ब्लड शुगर जो होता है, डायबिटीज होता है, डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है आंवला जूस। उसको कंट्रोल करके रखता है, बढ़ने नहीं देता है, फ्लक्चुएट नहीं होने देता है शुगर को। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर हमारे लीवर पे जो कोई भी जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या न्यूट्रिशियन काम करता है, तो इसी तरह से जो है हमारा ब्लड शुगर जो है मेंटेनेंस रहता है। अगर किसी को इसके अलावा जो है पेशाब में जलन होती है, यूटीआई संबंधी समस्या हो, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है मोदी केयर का आंवला जूस। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर किसी के मुँह में छाले पड़ जाते हो बार बार, तो इसका सेवन करें, और उसके अलावा जो है कि इसको पानी में डाल करके, इसका गुनगुना पानी में डालकर कुल्ला करें मुँह से, और छाला के लिए बहुत ही राहत देता है और जो है ख़त्म कर देता है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आंवला की पत्तियां जो है दोस्तों ले करके जो है उबाल करके इसके कुल्ले करने से जो है मुंह का छाला ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि कैंसर से लड़ने की इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है आंवले में। और मैं बता दूं कि पेट में एक प्रकार का पेप्टिक अल्सर होता है, जिसमें कि पेट में छाले पड़ जाते हैं, कुछ खाने पे वोमिटिंग हो जाती है, पेट में दर्द बना रहता है, बहुत बेचैनी रहती है, बहुत जलन होती है, इंडाइजेशन रहता है हमेशा। तो दोस्तों अगर ऐसी समस्या किसी को हो तो आंवले जूस को सुबह शाम खाली पेट ले, बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही जल्दी जो है यह क्योर कर देता है पेप्टिक अल्सर में। और इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है आंवले का जूस। अगर किसी को दस्त की समस्या हो तो दस्त में भी बहुत अच्छा काम करता है आंवले का जूस। बालों के लिए बहुत तेज़ी से, अगर किसी का बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहा हो या बहुत तेज़ी से पक रहा हो, तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों, और बालों को जो है काला बनाने में बहुत मदद करता है आंवले का जूस। इसका सेवन सुबह शाम करें खाली पेट, और बालों की समस्या से निदान पा सकता है अगर कोई भी इसका सेवन करे तो। इसके अलावा दोस्तों त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, त्वचा में निखार लाता है, उसके फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, झुर्रियाँ जो होती हैं, उसको हटाता है, वजन भी बहुत तेज़ी से घटाता है। इसके अलावा दोस्तों किसी को अगर हड्डी संबंधी समस्या हो तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है आंवला जूस। आंवला जूस पीने से दोस्तों हमारा हार्ट मजबूत होता है, हार्ट की धमनियाँ जो होती हैं, सिराएँ जो होती हैं, वो मजबूत रहती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, ब्लॉकेज की समस्या नहीं होती है, हार्ट अटैक की समस्या नहीं होती है। और दोस्तों दिल इससे क्या है कि हमारा सुरक्षित रहता है, और बढ़ती हुई उम्र के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी एजिंग का काम करता है, बढ़ती हुई उम्र को रोक देता है, इसको लेने से जो उम्र बहुत तेज़ी से ढल रही है वो रुक जाती है, और दोस्तों उम्र बढ़ने नहीं देता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि वीर्य को पुष्ट रखता है, वीर्य वर्धक भी माना जाता है, और जो वीर्य होते हैं उनमें शुक्राणुओं की संख्या को मजबूत बनाए रखता है, उनकी संख्या नहीं घटने देता है आंवला का जूस लेने से। इसके अलावा दोस्तों जो दांत के मसूड़े होते हैं उनके लिए यह बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि विटामिन सी पाई जाती है और दांत की पकड़ बहुत अच्छी बनाए रखता है आंवला। जो दांत के मसूड़े होते हैं उनको भी मजबूत करता है।
क्योंकि विटामिन सी होने की वजह से जो दांत के मसूड़े होते हैं वे मजबूत होते हैं, दांत में पायरिया की शिकायत जल्दी नहीं होती है, और दोस्तों हमारे यकृत को भी बहुत मजबूत करता है। जिसका यकृत कमज़ोर हो गया हो, यकृत संबंधी समस्या हो, तो आंवला जूस ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों जिसको स्वप्न दोष की शिकायत ज़्यादा होती हो, हमारा मोदी केयर का आंवला जूस यूज कर सकता है, या किसी को धात की शिकायत हो वो लोग भी इसको यूज करें। बहुत जल्द ही जो है इसमें जो है कमी आ जाएगी और धीरे धीरे सही हो जाएगा आंवला जूस कंटिन्यू लेने से। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ पेट के जो कीड़े होते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है, पेट के कीड़ों को भी साफ कर देता है आंवला जूस। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो गई, मोटापा हो गया, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। गुनगुने पानी में, जो लोग मोटे हो गए हो, ओबेसिटी हो गई हो, तो गुनगुने पानी में सुबह शाम जो है काला नमक स्वाद के अनुसार मिलाएं, और जो है 10 ml आंवला का जूस खाली पेट खाना खाने से आधा घंटा पहले सुबह में और आधा घंटा पहले शाम को, दोनों टाइम ले, बहुत जल्द ही जो है ओबेसिटी की शिकायत खत्म हो जाएगी, मोटापे की शिकायत खत्म हो जाएगी। दोस्तों मोदी केयर का जो आंवला जूस जूस होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये हिमालय के तराई क्षेत्रों का आंवला होता है, ये बहुत ही गुणकारी होता है, और इसको लेने से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियाँ नहीं होती है। दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।